हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की कॉल एंड्रॉइड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का साइड वाला ये जो पावर बटन होता है ना, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की जो नेटवर्क सेटिंग है इसे रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपकी जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। ठीक है, तो आपको इसे जो नीचे की साइड रीसेट सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करना है। अगले पेज में यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको जो है ना थोड़ी देर में नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप होता है ना, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है। ठीक है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करने के लिए आपको इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के एक छोटा सा पेज ओपन होता है इस तरीके का, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल सकता है या फिर इस तरीके का ये सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है, इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका यहां पर ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब यहां पर आपको ये पेज मिलता है, इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इस पेज में क्लियर स्टोरेज और दूसरा क्लियर कैच, आपको पहले क्लियर कैच पर टैप करना है। नीचे की साइड कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा, इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके का बटन या डिलीट का बटन शो होगा, इसे टैप कर देना है। तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन की जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आपको है ना एक कंफर्मेशन और करनी है कि आपके मोबाइल फोन का जो आप कॉलिंग का रिचार्ज कराते हैं ना, उसे आपको एक बार चेक करना है कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन का कॉलिंग का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे फोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये भी आपको कंफर्मेशन कर लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना ही है कि आपको अपने फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पे टैप करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है मोबाइल नेटवर्क का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। यहां पर आपको जो है APN का ये पेज मिलेगा, APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट, इसमें ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो नीचे की साइड आपको लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो आप APN सेटिंग को भी इस तरीके से आप रीसेट कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो है ना आपको मैंने जितने भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता दिए ना, सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं तो आपके फोन की जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,